राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। जी जी सर, दिल्ली में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ ली है, आखिर क्या वजह है? देखिए, कोरोना के दौरान फेफड़े खराब होते हैं और प्रदूषण के अंदर भी फेफड़े खराब होते हैं। पराली के अवशेष जब जलते हैं, फसल के अवशेष, तो प्रदूषण फैलता है, तो दोनों ही बातों में कोरोना का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। परसों दीपावली का पूजन किया, मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की पूजा को प्रभु ने स्वीकार किया और बरसात हुई, मौसम साफ हुआ, तो कोरोना की रफ्तार भी कम हो जाएगी। कल क्योंकि अमित शाह है, उन्होंने भी बैठक बुलाई थी जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमाम वरिष्ठ अधिकारी गए थे, क्या कुछ उस बैठक में हुआ और क्या इंतजाम करने के बोले गए हैं आपसे? देखिए, कोरोना जब से शुरू हुआ उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी से मिलके आए थे कि कोरोना ऐसी बीमारी जिसमें सारे देश को मिलकर चलना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अभी तक केंद्र की जो भी गाइडलाइन आई है सबको फॉलोअप किया है और अपनी तरफ से पूरे इंतजाम भी किए हैं, चाहे वो प्लाज्मा बैंक की बात करें, आइसोलेशन बेड्स की बात करें, हम चाहे कोरोना हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे कोरोना के लिए रेट फिक्स करने की बात करें, बेड बढ़ाने की बात करें, आईसीयू में 80% बेड रिजर्वेशन की बात करें। कल अमित शाह जी से भी इसी विषय के अंदर मुलाकात हुई और उन्होंने भी 750 बेड आईसीयू के उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मैं समझता हूँ ये एक सकारात्मक कदम है और हमने ये भी तय किया है कि हर रोज 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग दिल्ली के अंदर कोरोना की होगी, ताकि कोरोना को ढूंढ के जहां भी उसको खत्म किया जाए। सर, लेकिन क्या लगता है कहां चूक होगी जो एकदम इतनी अचानक मामले बढ़े हैं? नहीं, उसका कारण यही था कि जो फसल के अवशेष जल के दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन फैला, पोल्यूशन से फेफड़े खराब होते हैं, कोरोना के अंदर प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। सर, जो बीजेपी के कई नेता हैं उन्होंने आम अरविंद केजरीवाल पर जो है कटाक्ष किया है, खासकर मैं दिल्ली बीजेपी नेताओं की बात करूंगा, वो कह रहे हैं कि जब एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि आपसे चल नहीं रही है तो हमें दे दो, तो केजरीवाल सरकार से जो है कोरोना के मामले नहीं रुक रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अमित शाह की एक बार भी फिर वो शरण में गए और अमित शाह ही अब दिल्ली को बचाएंगे। देखिए, अमित शाह जी का इन्होंने पहले भी बड़ा जोर शोर से बात किया था, पूरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, अगर वो खत्म कर सकते हैं सारे देश से खत्म कर देना चाहिए, अच्छी बात है। अमित शाह जी ने दिल्ली को तो 1 रुपया कोरोना के नाम पे नहीं दिया, आर्थिक पैकेज पूरे देश के अंदर घोषित किया, 1 रुपया दिल्ली के अंदर नहीं आया, परंतु एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंदर अगर किसी राज्य के अंदर कोई भी दिक्कत आती है केंद्र सरकार को उसके अंदर पूरा सहयोग देना चाहिए और केंद्र की जिम्मेदारी भी बनती है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे 60% से ऊपर मरीज यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, देश के अलग अलग प्रांतों से आते हैं। दिल्ली सबका इलाज करती है, हर हॉस्पिटल के अंदर ये खुली छूट है। मैं अग्रसेन हॉस्पिटल को देखता रहा हूँ, 60% पेशेंट यहाँ पे हरियाणा से आए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब दिल्ली सारे देश का ख्याल कर रही है तो देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली को साथ में रखे। जब तक 1 रुपया दिल्ली को नहीं देना चाहती है बीजेपी सरकार, तो किस मुंह से ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं? जब आर्थिक पैकेज पूरे देश के अंदर बिका और पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज देने की बात की, दिल्ली को 1 रुपया नहीं दिया, उस समय दिल्ली के बीजेपी के नेता कहां थे कि दिल्ली के साथ क्यों सोतला व्यवहार हो रहा है? उस समय इनके मुंह से जवाब नहीं निकली। क्या दिल्ली की जनता के साथ नहीं है? क्या दिल्ली का विकास नहीं चाहते? क्या दिल्ली को उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? उस समय बीजेपी के लोग कहां थे? आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया अगर पैसा नहीं दिया तो? आप तो भी धरने में बैठ जाते हैं। देखिए, हमारा हक बनता है, हमारे जीएसटी के पैसे रुके हुए हैं और जो आर्थिक पैकेज इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की बात की, कम से कम कुछ पैसा तो दिल्ली को देना चाहिए था। अगर दिल्ली को ये अपना समझते हैं, दिल्ली से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये सोचने की बात है। अब क्या कुछ इंतजाम अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है, क्या बेड बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए, दर्शक भी जानना चाहते हैं क्योंकि स्पेशल कोविड हॉस्पिटल्स दिल्ली के अंदर बहुत बनाया, अभी बुराड़ी के अंदर नया हॉस्पिटल शुरू किया है। हम
80% बेड हमने आईसीयू के अंदर कोरोना के लिए रिजर्व किए हैं। जब पहले ये समय समय पे बात आई थी, हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी निकाल दिया था, डबल बेंच से हम उसको रेक्टिफाइड करवा के लाए हैं कि भाई 80% बेड कोरोना के लिए रिजर्व आईसीयू के अंदर करें, ताकि लोगों को, कोरोना के पेशेंट को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना रहे। और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है, परंतु सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। बिना सावधानी बरते हुए ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अभी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है और ये उतना कारगर साबित नहीं होगा, जरूरी है सिर्फ मास्क। जब मास्क लगा रहेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा, तो कोरोना से भी हम लड़ पाएंगे और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर पाएंगे। दिल्ली के लोग इसको बखूबी समझते हैं। सर, आपने दीपावली का जिक्र किया, लेकिन जो आतिशबाजी थी वो तो देखने को काफी जगहों पर मिली। तभी कई जगहों पर जो है, जो पारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है 999 तक था, उस अपील का उतना असर नहीं हुआ जितना पिछले साल था। नहीं, फिर भी आप देखिए, ये जो पोल्यूशन था ये पहले से काफी बड़ा हुआ था, परंतु पटाखे बहुत कम सुनने को मिले। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, रोशा रोड पे मेरा घर है। मैंने देखा कि पिछली बार के मुकाबले में पटाखों की आवाज बहुत कम सुनाई थी, और यही कारण है कि आज वातावरण भी बहुत साफ है और एयर इंडेक्स भी पहले से बहुत ज्यादा सुधर गया है। वो तो बारिश के कारण जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दीपावली की पूजा हमारी सफल हुई और प्रभु ने उस पर आशीर्वाद दिया। हम भी यही कामना करेंगे, प्रभु और आशीर्वाद दे और जल्दी से जल्दी जो दिल्ली के बिगड़े हालात है उस पर काबू पाया जा सके। आपने भी जिक्र किया प्रदूषण, प्रदूषण के कारण हालात खराब हो रहे हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने 99.5% इंडस्ट्रीज को पीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया है। दिल्ली के अंदर सारे जो कमर्शियल वाहन है वो सीएनजी पे कन्वर्टेड है। दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है अरविंद केजरीवाल जी ने। हमने लाल बत्ती पे सारी ये जो मोटर व्हीकल्स हैं सबको बंद करने की अपील की, और हर लाल बत्ती के ऊपर इसके साइन भी लगाए गए और लोग भी वहां पे खड़े होते हैं लगातार लोग जागरूक। इसके साथ साथ हमने जो कोयले से चलने वाले बिजली घर थे उन दोनों को दिल्ली के अंदर बंद कर दिया है। दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे उपाय उठाए गए जिससे प्रदूषण दिल्ली का बहुत कम हो, और यही कारण है कि पार्लियामेंट के अंदर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी ये लिखित रूप में बयान दिया कि दिल्ली में स्वच्छ हवा के दिन पहले से सुधरे हैं, परंतु जब फसल के अवशेष जलते हैं, पराली जलाई जाती है और पड़ोसी राज्यों में, वो दिल्ली सरकार के अधीन में नहीं है। और यही कारण है कि हर साल इस वक्त ये पोल्यूशन बढ़ता है जब पराली जलाने का वक्त होता है। कई जगह देखा गया है मशीन लगाई गई हैं, मैंने भी देखा था कश्मीरी गेट पे पोल्यूशन से रोकने के लिए, तो वो जो मशीनें आप लोग लगा रहे हैं कितना उसका बेनिफिट है, और क्या कुछ जगहें चिन्हित की गई है सब जगहों पर लगेंगी? जब कोरोना काल के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए ये स्मोक टावर लगाए हैं और इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो, इसके क्या रिजल्ट आएंगे तो स्टडी के बाद ही सामने आएगा, परंतु मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत सुखद परिणाम मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बताया कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है प्रदूषण को लेके, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि कोरोना काल में जो दिल्ली जिस स्थिति से जूझ रही है उस पर जल्दी से जल्दी सरकार काबू पा सके।